Assalamualaikum, dear students. Hope you all are doing well, staying safe at your homes. Dear students, this is your science teacher. Today we are going to discuss a new topic from your textbook of science, that is Whose Forests, subject EVS and class 5th. जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है Whose Forests. तो ये 5th EVS से हमने लिया हुआ है. आज हम यही देखेंगे. ये कहानी है एक लड़की की जो एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है. वो किस तरह इसको जंगलों को बचाने में इनकी बाकी सारे जो बोलते हैं बाकी सारे इनको अपने मोहल्ले वालों को लड़कियों को मतलब उनको ये बताती है कि हमें अपने फॉरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए और किस तरह से करने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए. और यही सारा कुछ इस कहानी में है. लुक एट द पिक्चर. Where do you think these children are off to with little bundles on their sticks? When you find out, you too would want to go with them. The children are going to the forest. There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called kuduk. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite Didi Suryamani. आप देखो, आप इस पिक्चर में ये बच्चे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ये लोग जा रहे हैं, अगर आप सुनेंगे ये कहाँ जा रहे हैं, आप भी वहाँ जाने की ख्वाहिश करेंगे. ये जो बच्चे हैं ये असल में जंगल की तरफ जा रहे हैं. वहाँ ये खेलेंगे, कूदेंगे, पेड़ों पे चढ़ेंगे, गाने गाएंगे और जो नीचे पड़े हुए लीव्स और फ्लावर्स हैं वो उठा के उनके नेकलेसेस बनाएंगे और जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनकी जो आवाज़ें हैं उनको कॉपी करेंगे और बहुत सारा फन उधर होगा और मतलब अच्छे से ये लोग इन्जॉय करेंगे. इनके साथ में जो बड़ी लड़की है, इनकी फेवरेट दीदी है, इसका नाम है सूर्यमणि. Every Sunday, Suryamani takes the children to the forest. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants and animals. Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read the forest is an important as reading as books. ये जो सूर्यमणि है ये हर संडे को इन बच्चों को ले जाती है जंगलों में. ये इनको मतलब पहचान करवाती है पेड़ों की, कौन सा पेड़ कैसा है, अन्य जानवरों के बारे में इनको बताती है और ये इनको बोलती है कि ये जंगल जो है हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है जितने कि बाकी बुक्स हमारे लिए हैं. शी सेज़ वी आर फॉरेस्ट पीपल, आवर लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट्स. इफ द फॉरेस्ट्स आर नॉट देयर, वी टू विल नॉट रिमेन. ये जो सूर्यमणि है ये एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है. ये जंगली जंगल के लोग हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं. तो ये बोलती है कि हमारी जिंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट्स, अगर फॉरेस्ट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह सकते हैं फॉरेस्ट्स के बगैर.